हेलो साथियों, नमस्कार। सामान्य निर्वाचन 2024 जो भी कर्मी करवाने जा रहे हैं उनके लिए आज हम इस वीडियो में जो मशीन्स मिलेंगी आपको, CU मिलेगा, BU मिलेगा, VVPAT मिलेगा, उसके बारे में जो डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं CU के बारे में, कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट में ये डिस्प्ले पॉइंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में इसके जो राइट साइड में बिजी लैंप होगा, जब कमांड दे दी जाएगी बोर्ड डालने के लिए, उसके बाद में ये बिजी लाइट जलेगी जब तक बोर्ड पूरा नहीं डल जाएगा। और उसके बाद में ये ऑन लैंप होगा ग्रीन कलर का, तो इससे पता चलेगा कि कंट्रोल यूनिट ऑन है चालू की स्थिति में। इसके बाद में ये बैटरी सेक्शन होता है जो आपको सील मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके बाद में यहाँ पर जो कैंडिडेट सेट सिलेक्शन होगा, इसमें भी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ऊपर वाले नीले जो पोर्शन है इसका, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी आपको सेटल्ड मिलेगा। अब इसके बाद में दूसरा जो नीले वाला ये कैप रहेगा, इसके अंदर आपको बटन्स मिलेंगी, क्लोज बटन, ये ऊपर से ही क्लोज मतदान के बाद में आपको करना होगा। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये आसानी से खुला रहेगा पूरे मतदान के दौरान। और इसी के अंदर यहाँ पर जो है, यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन होगा जो CRC करते हैं हम लोग, कंट्रोल रिजल्ट, तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं बीच बीच में। इसके बाद में यहाँ पर आपका टोटल बटन रहेगा नीचे, जो कि बीच बीच में मतदान के दौरान आप इसका मिलान कर सकते हैं। और इसके बाद में लास्ट जो बैलेट बटन होगा वो ये ब्लू कलर का होगा, बड़ा सा चौकोर। तो ये जो बटन है, जब एक बोर्ड डल जाएगा उसके बाद में इसको दोबारा दबा दिया जाएगा, तब ये बिजी लैंप जलता रहेगा जब तक अगला बोर्ड नहीं डल जाएगा। तो यहाँ से बैलेट को देना होगा। तो ये जो थर्ड कर्मचारी हमारा होगा, मतदान कर्मचारी, उसकी जिम्मेदारी में मशीन रहेगी। तो ये तो जानकारी थी कंट्रोल यूनिट की। अब हम देख लेते हैं इसके बाद में दूसरा जो यूनिट है हमारा, बैलेट यूनिट BU। तो इसमें क्या क्या जो ज़रूरी जानकारियां होती हैं वो हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं, यहां भी एक बिजी लैंप, रेडी लैंप होगा। और इस रेडी लैंप का जो काम है वो ये रहेगा कि यदि ये ग्रीन कलर का ऑन है तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ, BU काम कर रहा है। और इसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी यहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स ऊपर होगा, पहले नाम आएगा, जो क्रम होता है इसमें, जो क्रम रहता है वो पहले राष्ट्रीय पार्टियों का क्रम रहता है, उसके बाद में क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। और राष्ट्रीय पार्टियों के क्रम में जो भी प्रत्याशी होगा उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह होगा, और उसके सामने जो बटन नीले कलर का होगा, यहाँ से आपको वोट डालना है, कैंडिडेट बटन होता है ये। तो जैसे ही ये वोट डालेंगे तो ये लाइट एरो वाली ये जल जाएगी। तो इस आधार पर यहाँ पर ये पॉइंट्स होते हैं। और उसके बाद में वैलिड यूनिट ऊपर जो है उससे लाइट स्विच होता है, जिसको आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखते हैं, VVPAT मशीन, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये है VVPAT मशीन। तो यहाँ पर क्या करना है, ये रियर है, तो यहाँ से बस कैंडिडेट के लिए काम का यही है कि जब वो वोट डाल देगा तो यहाँ पर एक पर्ची निकलेगी, जिस भी चुनाव चिन्ह पर उसने डाला है इसमें चुनाव चिन्ह छपा होगा, और साथ ही कैंडिडेट का नाम भी छपा होगा और क्रमांक भी छपा होगा। तो यहाँ पर वो अपना वोट देख सकता है कि उसने जिसे वोट दिया है वो सही गया या नहीं गया। और इसके बाद में इसका बैक साइड जो होगा, जो हम कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर ये लॉक अनलॉक नोब होता है। तो इसमें खड़ा नोब होगा और एक पड़ा नोब, मतलब इसको घुमा के करना होगा। तो जो परिवहन मोड होता है, यानी कि कहीं भी ले जाना है आपको, तो उसको पड़ा रूप में रखना है, और जब आपको मशीन ऑन करनी है यानी कि इसको यूज करना है तो इसको खड़ा कर देना है। बस ये महत्वपूर्ण रहते हैं। और उसके बाद में नीचे यहाँ पर बैटरी सेक्शन होता है, जो चुनाव के बाद में आपको बैटरी को यहाँ से निकाल लेना है, क्योंकि उसको अलग से आपको देना होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट और होगा यहाँ पर बीच में, तो उसमें क्या करना होगा, स्टिकर फॉर इंडिकेटर्स होंगे। और यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसमें VVPAT में BU का जो केबल होगी वो जोड़ा जाएगा, और यहाँ पर CU का जो केबल है वो आपका, सॉरी, VVPAT का केबल है वो आपका CU में जोड़ दिया जाएगा। तो इसके कनेक्शन भी अब हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन मशीनों को, तीनों को जोड़ा जाएगा, तब जाके आप EVM मशीन बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर किस प्रकार से आपको लर्न रखना है, इसको VVC के रूप में लर्न करना है। तो सबसे पहले B यानी कि जो बैलेट यूनिट होता है, इसका जो केबल है, निकला हुआ केबल, ये आपको VVPAT में जोड़ देना है। VVPAT का जो केबल निकलेगा वो आपको CU यानी कि कंट्रोल यूनिट में जोड़ देना है। तो जो VVPAT है उसके राइट साइड में आपको BU यानी कि बैलेट यूनिट को रखना होगा। तो ये रखने का तरीका रहेगा। और जो कंट्रोल यूनिट है, जो ये कंट्रोल यूनिट थर्ड जो कर्मचारी मतदान अधिकारी होता है उसके पास रहेगा, जो बैलेट इशू करेगा। तो इस प्रकार से इसके ये कनेक्शन रहेंगे।